देखने जा रहा है। तो क्या उम्मीद लेके आए हो? उम्मीद क्या, कैसी हो सकती है सर मूवी? टॉप की होगी, क्लास, टॉप क्लास। पहली मूवी देखी है सर आपने? देखी थी ज्वाला में। ज्वाला में देखी थी? ज्वाला में देखी थी। ज्वाला में उस समय पर इसी तरीके की भीड़ थी जैसे अब है? बिल्कुल नजर है, कोई हंसी मजा आ गया। अच्छा, हमारा सनी देओल जो है, सनी पाजी क्या कर सकते हैं? गदर टू में पास एल्बम, गदर टू में पास। बढ़िया 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 टॉप की पिक्चर है, पहले भी और दूसरी भी, दोनों बढ़िया पिक्चर है दोनों। तो एल्बम उगाड़ सकता है सनी? खम्बा उगाड़ा है, खम्बा उगाड़ा है। गाने कैसे हो सकते हैं? गाने तो पुराने ही हैं, दो तीन पुराने गाने हैं, एक आध नया गाना हुआ। बढ़िया गाने एकदम। हाँ सर, गदर टू देखने आ रहे हो क्या? हाँ जी, पहले देख रखी है गदर टू आप? नहीं, नहीं, पहली बार। बोल रहे मूवी काफी बढ़िया है, इसके लिए कुछ कहना चाहो? इसीलिए आए हैं, सब काम धंधे को छोड़ के आए हैं फिल्म के लिए। हमने 23 साल पहले देखी थी गदर, उसके बाद में आज देख रहे हैं। मुझे लगता है आप बहुत काफी समय पहले 11 तारीख को मूवी रिलीज हुई थी, आप पहले से देखना चाह रहे हो, बट टिकट नहीं मिल पा रही। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मिल पा रही थी हमें। मूवी सनी देओल ने सुपर हिट ज्यादा बना दी है, टिकट नहीं मिल रही है। यही बात है, यही बात है। सनी देओल ने हेडपम्प उगाड़ा मूवी के अंदर। अरे हेडपम्प को ही तो देख लिया है, इसमें तो पता नहीं है कि क्या है, देखते हैं जाके। काफी लोग बोल रहे हैं कि हेडपम्प के पास जाता है तो देख के भाग जाते हैं। पता नहीं है, बताते हैं ऐसे। गाने कैसे हो सकते हैं सुपर हिट? गाने सर, गाने तो सुपर हिट ही हैं इसके। हाँ सर, गदर टू देखने जा रहे हो क्या? हाँ जी, देखने जा रहे हैं। क्या उम्मीद है सर गदर टू से आप? गदर टू में उम्मीद यही है कि सनी देओल का जो रोल है वो एक पाकिस्तान पर अकेला भारी है, ऐसा शेर है सनी देओल। और हमने 15 तारीख को टिकट लिया, हमें 30 दिन बाद को देखने मिल रहा है, टिकट नहीं मिल रही है पिक्चर की। अब अभी मैं देखा था अपने घर वालों के लिए, तो 21 तारीख के बाद टिकट बुक हो रहे हैं, 21 तारीख के 200 फिर हो चुके हैं, इसलिए अब घर वालों को टिकट किए, मतलब 22 तारीख में। मतलब कि 11 तारीख को मूवी रिलीज हुई है, उसकी टिकट अभी तक नहीं मिल पा रही। टिकट नहीं मिल पा रही है, बहुत चल रहे हैं, बहुत आस्ते क्योंकि क्योंकि मूवी ज़्यादा सुपर हिट है। हमने खुद 14 तारीख को देख रहे थे, हमें 15 में टिकट मिली है, 15 वो भी आज, हमें 18 तारीख को हम पीछे देखने जा रहे हैं। दोबारा देखने आए हो आप मूवी? नहीं, दोबारा नहीं, मैं दोबारा आऊँगा देखने के लिए, मतलब माता पिता को लेकर के, पूरे फैमिली को लेकर आऊँगा। मूवी हमेशा सनी देओल ऐसी बनाते हैं कि हम फैमिली को दिखा सकें मूवी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदुस्तानी संस्कृति से बनी हुई फिल्म है और इसका हम जो समर्थन करते हैं पुरजोर। तो मूवी के अंदर एक चीज़ देखी है मैंने कि आमिर इकबाल जो है कुरान और गीता को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है पंडित जी से, तो पंडित जी जो होते हैं तो उनका लड़का साथ में ही होता है छोटा, तो गीता को सिलेक्ट करते हैं जी जी। तो इस बात से वो जो आमिर इकबाल है वो उनका सिर कलम कर देता है। हाँ, कलम कर देते हैं। सही, मुझे लगता है बहुत गलत दिखाया है मूवी के अंदर। सही बात है, ये गलत वो पाकिस्तान तो वैसे भी हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध रहता है, और आजकल जो बॉलीवुड भी मूवी दिखा रहा है वो हिंदुओं को वृद्धि जा रही है सारी, तो हम लोग जो है सनी देओल के फैन भी हैं, और मूवी थोड़ी सी क्या हमारे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है दिलों से, इसलिए हम तो देख रहे हैं। और सर, जैसे कि लड़का जो है पापा को ढूंढने जाता है पाकिस्तान, तो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। हाँ, वो देखा है ट्रेलर में दिखा रहे हैं, उसमें हर एक के साथ यही व्यवहार होता है। ये पाकिस्तान आप भी जाएंगे, हम भी अगर धोखे से पहुंच जाएंगे तो यही व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा। पाकिस्तान का तो हमेशा रिपोर्ट है, हिंदुस्तान के विरुद्ध जो भी कर सकता है वो करता है अपनी जो है, लेकिन वो जो है यहाँ से एक जो है पक्के मुसलमान जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, नहीं कह सकते हम लोग, तो पाकिस्तान में वो तारीफ करते हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में कि हम हिंदुस्तान में आराम से रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी यहाँ पे जो मोमडन है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देता हमारा हिंदुस्तान, दुनिया का, बट पाकिस्तान में जाता है वो मोमडन तो वहाँ पे बताते हैं कि मुसलमान जो जाता है वो कहता है कि हमारे हिंदुस्तान के बारे में तारीफ करता है कि लखनऊ में मैं सही से रह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो उसे मारते हैं। हाँ, बहुत बुरी तरह मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और मुस्लिम क्या, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान जाता है तो वो सभी हिंदुस्तानियों को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं। और नहीं, दूसरी बात, दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। और उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज जो सुविधाएं सारी जो मिल रही हैं वो यहीं मिल सकती हैं, अन्यथा उनको और कहीं देश में नहीं। आप देख सकते हो, उदाहरण देख लो चीन देख लो, अफगानिस्तान देख लो, और इराक विराक का जहाँ भी देख लो वहाँ वो बुरा हाल है। केवल सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो हिंदुस्तान के अंदर ही है। जो भी हिंदुस्तान सेफ्टी कर रहा है फिर भी पाकिस्तान जो है गलत समझ रहा है। अब वो उनकी मूर्खता है, गलत लोग गलत ही समझेंगे, वो उसकी नीयत गलत है, उसके व्यवहार गलत हैं। और हम तो यही बोलेंगे, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कौन सा यूट्यूब चैनल है?